राजगढ़ धाम में सैकड़ों महिला पुरुषों ने छोड़ा नशा, पूनम अंकुर छाबड़ा। राजगढ़ धाम में गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज के सानिध्य में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा रही। कार्यक्रम में नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज व पूनम अंकुर छाबड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में गुरुदेव श्री ने पूनम अंकुर छाबड़ा के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति आंदोलन की सराहना की। साथ ही हुतात्मा गुरु शरण छाबड़ा जी के बलिदान को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पण किए। गुरुदेव श्री व पूनम अंकुर छाबड़ा के आग्रह पर सैकड़ों महिला पुरुषों ने नशा छोड़ा। कार्यक्रम स्थल पर लोगों के पास तंबाकू उत्पाद जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि स्टेज के सामने रखकर जीवन भर नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। पूनम अंकुर छाबड़ा ने कहा कि नशा नाश की जड़ है, इसने लाखों घर परिवार उजाड़े हैं। हम सबको इस बुराई से लड़ना है और नशे को हमारे प्यारे भारत देश से विदा करने का संकल्प दोहराया। पूनम अंकुर छाबड़ा ने गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज, राहुल, सतीश, गोपाल व संगत का धन्यवाद अर्पित किया। गौरतलब रहे पूनम अंकुर छाबड़ा अनेक वर्षों से अपने पिताजी शहीद गुरु शरण छाबड़ा पूर्व विधायक के सपने को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में नशा मुक्ति को फैलाकर लोगों को इस बुराई से दूर करने के लिए संघर्ष कर रही है। एवं हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूनम अंकुर छाबड़ा को मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर उनके पिताजी के नाम स्वर्गीय गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के लिए 2.5 करोड़ रुपए बजट के लिए घोषित किए हैं।